हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल का हमारा सेशन थोड़ा सा खराब रहा बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्टर्बेंसेस। इतना अनॉइज जो आपका रहा, पीछे से बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं था। सो टुडे आई थॉट कि लेट अस रीस्टार्ट द सेशन अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम निधि माता एंड आई विल टेक केयर ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12। प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस। पहला इंस्ट्रक्शन, आप जितनी बार मेरे को नोटिफिकेशन भेजते हैं और सेम नोटिफिकेशन भेजते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बंदे ने नोटिफिकेशन दे दी, दैट इज मोर देन इनफ ताकि आई कैन वर्क ऑन दोज शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, दे आर आफ्टर इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट द कमेंट्स दैट यू आर गिविंग टू मी। सो अपने डाउट जो है वो मुझे एज कमेंट्स फॉरवर्ड करिए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर सकूँ। सो आई होप दैट माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ दिस चैप्टर अगेन सो दैट यू वुड नॉट सफर एनी लॉस। अच्छा माई नेट, बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बिजनेस स्टडीज 12। इन क्लास 11 वट वी हैव लर्न दैट बिजनेस कैसा होता है, हाउ वी कैन डू द बिजनेस, बिजनेस कितने अच्छे से हम कर सकते हैं, क्या अगर तरीके हैं बिजनेस करने के। पार्टनरशिप फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हैं, सो प्रोपराइटरशिप फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मेनी मोर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दोज फॉर्म्स। अब बिजनेस कर कैसे सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था क्लास 11 में। अब बिजनेस करना कैसे है, हाउ टू डू द बिजनेस, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर क्लास 12। सो as you can see the chapter nature and significance of management. So first of all let us understand what is the meaning name of the chapter, what does this chapter contain. First of all we are going to talk about management here. So management kya hota hai, sabne suna zarur hai management but usko realize nahi kiya management hota kya hai. So management hota kya hai, uska nature kaisa hai, uska swabhav kaisa hai, wo kis tarike se behave karta hai. And lastly we are going to discuss that why it is important, what is the significance of the मैनेजमेंट। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ आई होप दैट दिस डेफिनेशन विच आई रोट हेयर इज विजिबल टू यू। सो आई एम जस्ट रीडिंग द टू मेन कंटेंट ऑफ द डेफिनेशन। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू गेट द थिंग्स डन। हेयर देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव अंडरलाइंड। फर्स्ट, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है, द थिंग विच कीप्स ऑन गोइंग, वो रुकता नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो चलता जाता है, चलता जाता है, मैनेजमेंट चलता जाता है। एंड क्यों चल रहा है, टू गेट द थिंग्स डन। जो आपको चाहिए, जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, दैट टारगेट हैज बीन अचीव, वो काम आपका होना चाहिए। इफ आई प्लान कि मुझे आज क्रिकेट खेलना है, मैंने अपना प्रॉपरली मैनेज किया है, तो माई टारगेट इज टू वन द गेम। सो My management should be good enough कि मैं अपने तरीके से अपनी गेम जीत सकूं। So what you have done, you have managed your team so that your target would get achieved. Now let's talk about process. अभी हमने discuss किया कि मुझे cricket game खेलना था और उसके लिए मैंने manage किया, पर मैंने manage क्या किया, I made a plan। मैंने अपने plan बनाया, ये plan बनाएंगे तभी तो हमारा काम successful होगा। Plan करेंगे, अगर टीम वर्क के साथ बात करें तो प्लानिंग इज बीन डन। वंस प्लानिंग हैज बीन डन, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों ने, इफ आई टॉक अबाउट कि ये मेरी फील्ड है जहां पे मुझे बिजनेस क्रिकेट खेलना है, तो मेरे जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ खड़े होंगे ताकि मेरी फील्ड पूरी कैप्चर हो जाए, कोई भी बॉल मेरे से बच के ना जाए। सो यू हैव मेरा प्लान, और उसके बाद लोगों को अकॉर्डिंगली और टीम मेंबर्स को आपने वैसे ही उनको एलोकेट किया और उनको समझा दिया कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। सो यू हैव ऑर्गेनाइज, आपने जो प्लान बनाया, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था कि मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाया कि मैंने अपने मेंबर्स को कहाँ कहाँ खड़ा करना है फील्ड में ताकि मेरी जो क्या बोलते हैं मेरा काम ठीक से हो। ये काम मैंने यहाँ पर मैंने अपने लोगों को अपॉइंट किया, मैंने अपने टीम मेंबर्स को यहाँ मैंने अपना खड़ा किया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मैंने काम को लोगों में बांटने की बात करी है। क्लियर, सो आई मेड अ प्लान। प्लान बनाते समय मुझे पूरी फील्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितनी मशीनें मुझे चाहिए काम करवाने के लिए, मशीनों को कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। तो प्लान करना
उसके बाद उन चीजों का आपने ऑर्गेनाइज करवाना प्रॉपर तरीके से, सामान आया आपने रखवाया, उसके बाद सामान अकेला जो बड़े बड़े थिंग्स दैट यू हैव ब्रॉट इनटू योर दिस हॉल विल नॉट वर्क आउट अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग अ स्टाफ. तो आपने स्टाफ अपॉइंट किया, बट स्टाफ को भी यू आर सपोज टू गिव डायरेक्शंस. सो आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे. सो डायरेक्शन यू आर सपोज टू गिव देम अ डायरेक्शन. सो वंस अ डायरेक्शन आपने उनको बता दिया क्या काम करना है, देयर आफ्टर यू कीप अ कंट्रोल ओवर इट कि हाँ जी काम आपका एज पर योर इंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं. सो कंट्रोलिंग हैज बीन डन. सो इट मीन्स दैट माय प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग. कभी एक काम करते हैं, कभी हम सेकंड काम करते हैं. मेरा काम हम ये तो नहीं है कि एक प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया उसके बाद मैं कोई फर्दर प्लानिंग नहीं करती हूँ या फर्दर कुछ और चीज अचीव करने की ख्वाहिश नहीं रखती हूँ. सो जितनी बार मेरा नए नए गोल्स होंगे उतनी बार मेरा नया नया मैनेजमेंट होगा. सो इट्स अ प्रोसेस. सो इट हैज नंबर ऑफ स्टेप्स. फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग. आई होप दैट द सीरीज द प्रोसेस इज बीइंग क्लियर टू ऑल नाउ. Now, so this is the first part of the definition that we have discussed, that management is the process for achieving the thing, for achieving our goals. Now, achieving the goals effectively and efficiently, this is most important thing. Effectively ka matlab kya? Task completion. One word mein agar main isko bolu, that it simply means task completion. आपने जो भी आपने काम किया टास्क कंप्लीट हुआ विद इन द टाइम लिमिट, ज्यादा टाइम ही नहीं लिया. सो विद इन द टाइम लिमिट आपको जो टारगेट दिया गया था आपने वो टारगेट को आपने अचीव कर लिया विद इन द टाइम पीरियड, तो यू आर टर्म्ड एज इफेक्टिव. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. हाँ जी, एफिशिएंसी या एफिशिएंट, अगर हम बात करें एफिशिएंट, वो पर्सन काम करने में बहुत ही एफिशिएंट है. मींस क्या? काम चुटकियों में कर देता है, विद इन मिनट्स वो काम कर देता है. तो टास्क कंप्लीशन तो है ही है. सो एफिशिएंसी सिंपली स्टेट्स टास्क कंप्लीशन है बट इट इज डन विद द मिनिमम कॉस्ट. सो आई वुड से टास्क कंप्लीशन प्लस लीस्ट और मिनिमम कॉस्ट. आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. काम पूरा करना टाइम पीरियड में, ये भी काम कह रहा है, ये भी टास्क कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड में, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर कॉस्ट कम होगी. एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज को हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर मेरे को किसी मुझे बोला कि विद इन अ वन मंथ यू आर सपोज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, टारगेट मुझे मिल गया कि मुझे किसी को 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी है, लेकिन उस समय मेरे पास इतना ज्यादा जो इतना एक समय पर टारगेट मिल गया करने के लिए, उसके लिए मेरे पास इतना ज्यादा स्टाफ नहीं था. व्हाट आई डिड, मैंने स्टाफ को या तो मैं और स्टाफ अपॉइंट करूं, मेरे पास एक तरीका रह जाता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको मैं डबल शिफ्ट में काम करवाऊं. अगर मैं उसको डबल शिफ्ट में काम करवाऊंगी तो मुझे उसको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी. सो अगर मैंने टारगेट अचीव किया, मैंने मंथ में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, देन आई वुड बी टर्म्ड एज इफेक्टिव. बट अगर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे एट मिनिमम कॉस्ट, मेरा कोई नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं आया, देन आई वुड बी टर्म्ड एज एफिशिएंट. सो बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, काम का पूरा होना और मिनिमम कॉस्ट पे पूरा होना, ये दोनों कलेक्टिवली हमारा मैनेजमेंट बनाते हैं. तो आई कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी, गिव बर्थ टू योर मैनेजमेंट. इट इज योर मैनेजमेंट. क्लियर ना? अब तो हमने ये दोनों टर्म्स पढ़ ली, और ये याद रखिएगा केस स्टडी के फॉर्म में या वन मार्कर्स के फॉर्म में दिस पोर्शन विल कम आउट. क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Now I'm
गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसा होता है. तो मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. पहला, इट इज गोल ओरिएंटेड. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड. कोई भी मैं मैनेज कुछ भी काम कर रही हूँ, अगर आपने क्रिकेट गेम मैनेज किया था तो क्यों मैनेज किया था, ताकि आप गेम जीत सके. आप आज पढ़ाई शुरू कर रहे हो, क्यों पढ़ाई शुरू कर रहे हो, पता है पढ़ाई हो नहीं रही है, पता नहीं अभी हम स्कूल कब जाएंगे और हमारा 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो डूब जाएगा. तो योर टारगेट इज टू अचीव गुड मार्क्स इन योर स्टडीज. सो जो भी हम काम मैनेज कर रहे हैं, दिस एक्टिविटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय केवीएस, की बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए. तो मैनेजमेंट हैज बीन डन एंड नाउ यू आर गोइंग विद दिस लाइव सेशन. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो अचीव हो जाए, कि हमारे बच्चे किसी नुकसान में ना रहे एंड दैट टारगेट विल गेट अचीव. सो व्हेनेवर द मैनेजमेंट हैज बीन डन, देयर बेसिक पर्पस इज टू अचीव द गोल. तो जो काम हमें अचीव करना है, दैट इज योर गोल ओरिएंटेड. नाउ सेकेंड इज योर परवेसिव. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परवेसिव. परवेसिव सिंपली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. हर जगह पर वो एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO. एंड यू मस्ट बी स्टडिंग दिस इन योर अकाउंटेंसी ऑल्सो. चाहे आपको प्रॉफिट कमाना हो, चाहे प्रॉफिट ना कमाना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आपका मैनेजमेंट हर जगह पे है. बिजनेस में तो आपको मालूम ही मालूम है कि चाहे वो कोई भी जगह हो, हम बिजनेस में मैनेजमेंट देखते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, इट कुड बी योर स्कूल, इट कुड बी योर हॉस्पिटल्स, इट कुड बी योर होम, यस आपके घर पे भी मैनेजमेंट होता है, टेम्पल, कोई भी क्लब, कोई भी जगह, हर जगह मैनेजमेंट है. घर में नहीं, आपके अंदर भी तो मैनेजमेंट है, आप भी तो अपनी स्टडीज को मैनेज करते हो. ड्यूरिंग एग्जाम यू ऑलवेज मैनेज विच सब्जेक्ट आई शुड लर्न, इन विच ऑर्डर आई नीड टू स्टडी. जो सब्जेक्ट नहीं आता पहले उसके बारे में स्टडी करूँ, या किसी और के बारे में पहले स्टडी करूँ, ठीक है. सो आप भी तो उस चीज को मैनेज करते हो, तो आप मैनेज करते हो. पापा क्या मैनेज करते हैं, पापा के घर में कि कहीं फंड्स की कोई रिक्वायरमेंट हो, पापा फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. मम्मा आपका घर की पर्सनल नीड्स जो आपकी होती है उनको मैनेज करती है. सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, ठीक है. सो दैट व्हाट वी से दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. नाउ मूव अहेड. आई होप कि अभी आपको कोई डाउट नहीं आया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो वो आप कमेंट फॉर्म में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट सेशन. क्लियर. Now let's talk about the third feature of management, that is, it is multidimensional. Multidimensional मतलब अलग अलग तरीके से काम करता है. It has three dimensions. First, management of work, management of people, and management of operations. सबसे पहले we always decide कि मुझे काम क्या करना है. मान लेते हैं, let us suppose that I would like to start a school. मुझे स्कूल स्टार्ट करना है. तो स्कूल को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा. मुझे बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के साथ साथ मुझे उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चलाने के लिए मुझे स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ के साथ साथ आई नीड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो. मुझे ये सारे मेरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. मुझे टेक्निकल एड चाहिए, मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. मुझे कितना पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, मुझे लाइसेंस वगैरह लेना होगा, एवरीथिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ. तो मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि ये काम मैं किसको दूं. मेरे पास जब मैंने काम बिजनेस स्कूल स्टार्ट करने का मेरे माइंड में ख्याल आया, तो ये काम मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती. आई नीड अ सपोर्ट ऑफ समवन, मे बी दे मे बी फ्रॉम माय फैमिली, और इट कुड बी डन इन योर पार्टनरशिप. तो यू नीड नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डू दिस थिंग. तो काम को करना कैसे है, तो मैंने अपना ये काम लोगों में
बांट दिया कि अपने एक फ्रेंड को बोला कि तुम यार लाइसेंस के लिए परमिशन दिलवाओ मुझे, जैसे भी करके लाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी और को दी, फंड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो लोन का अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, कौन से बैंक में जाना है, वो काम मैंने किसी और को हैंड ओवर किया। टेक्निकल फैसिलिटीज के लिए मुझे एक टेक्निकल पर्सन चाहिए, तो मुझे किस तरीके से टेक्निकलिटीज रखनी है, कौन कौन सी फैसिलिटी रखनी है, वो सब चीज़ें मैं रखूंगी। सिमिलरली स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए, एलिजिबल अच्छे टीचर्स को रखने के लिए मुझे पूरा इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाना पड़ेगा उनका, तो पूरा एक बोर्ड मुझे सेटअप करवाना पड़ेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं किसी और को दूंगी। तो जब मैंने पहले काम को डिसाइड किया कि मुझे काम क्या करना है, दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जब ये काम मैंने डिफरेंट पर्सनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों में बांट दिया, इट वुड बी टर्म्ड एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज द वर्क हैज बीन अलॉटेड टू द नंबर ऑफ पीपल। सो दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि वो काम मुझे करना कैसे है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो काम आपने लोगों को दिया, जो काम दिया, काम किसको दिया, लोगों को दिया, अब वो काम करना कैसे है, काम को करने के लिए मुझे आई नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, सो दैट प्रोसीजर विल बी टर्म्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट स्टाफिंग, अब मुझे लोगों को अपॉइंट करना है, तो लोगों को अपॉइंट करने के लिए आई नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स कि वो काम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इस प्रॉपर इस फंक्शन को करने के लिए, इस काम को करने के लिए लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, हाउ दे हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मुझे पहले उनसे एक फॉर्म फिल करवाना है, तो एक फॉर्म बनाना भी तो पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग के बाद आई नीड टू चेक दैट फॉर्म ऑल्सो कि उसमें किसी ने डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, जो लोग ढंग से फॉर्म फिल नहीं कर रहे उसको वहीं से मैंने आउट कर देना है। सेकेंड आई नीड टू कंडक्ट रिटन एग्जाम, सो रिटन एग्जाम होगा। थर्डली इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज हर चीज रिटन एग्जाम में हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। रिटन एग्जाम में जो चीज मैं ढूंढ नहीं पाई, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द पर्सन, द इंटेलिजेंस कि उसका आईक्यू लेवल कैसा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो सब चीज़ें आई कैन नॉट डन इन द रिटन एग्जाम। सो आई नीड टू कंडक्ट द इंटरव्यू सो दैट आई केम टू नो अबाउट द इंडिविजुअल कि वो उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है। देन आफ्टर इफ मेडिकल चेकअप इज रिक्वायर्ड, आई विल कंडक्ट दैट ऑल्सो कि मुझे क्या काम करना है। तो जब मैंने एक फंक्शन को उसके स्टेप्स बता दिए कि जो भी पर्सन को काम मैं अलॉट करूंगी उसको इस तरीके से काम करना है, दैट वुड बी टर्म्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। So we can say in totality management is multi-dimensional. It has three main dimensions. So management of work, काम क्या करना है, किससे करवाना है, and the operation. इसके लिए मैं इसकी ब्रीफिंग बता दूं याद करने का तरीका, that it gives the answer of what is to be done. क्या काम करना है, thereafter By whom it is to be done, कौन करेगा ये काम को, and how it is to be done, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करना है। So when you get the answer of these three questions, you would be able to understand this as a whole. Mind it. In this case study, we know that in business studies always case studies come. अब class 11 के इतना नहीं रहेगा, अब level थोड़ा increase करेगा, आपका maximum paper जो है वो case study से fill होगा, तो this is an important section जो आपके case study form में आ सकता है। So let's move ahead. Let's move to the next feature, which is continuity, continuous. We know that management is continuous in nature, बार बार चलता रहता है, जितने different goals होंगे उतनी बार आप manage करते हैं। जब आप class 10th में आए थे
आपने अपने स्टडीज को मैनेज किया था, आपने अपने मार्क्स देखे होंगे कि आपके मार्क्स कैसे हैं। अगर अच्छे आए तो यू विल बूस्ट अप, और क्लास 11th में आपने फिर से अपना एक टारगेट अचीव करा होगा कि मुझे जो टारगेट सेट किया है वो उसे अचीव करना है। तो जब आपका 10th क्लास क्लियर हुआ, आपका मैनेजमेंट का फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ, देन यू केम टू क्लास 11th, वहां पे भी आपने अपनी स्टडीज करी, आपने अपना मैनेजमेंट वहां भी इतना किया। तो ये नहीं है कि क्लास 10th के बाद आप रिलैक्स हो गए, आपने अपना थिंकिंग प्रोसेस बंद कर दिया। आपने क्लास 11th के लिए दोबारा से अपना मैनेजमेंट किया एंड यू अचीव दैट, एंड देयर आफ्टर यू मूव टू क्लास 12th। तो क्लास 12th में भी तो नाउ यू आर अगेन डूइंग अ मैनेजमेंट कि मुझे अपना पढ़ाई कैसे करना है, कैसे उस चीज को मैनेज करना है। और जब 12th आप क्रॉस कर जाएंगे तो आप आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे फॉर योर ग्रेजुएशन एंड ऑल, वहाँ पे भी तो आपको अपना मैनेजमेंट करना होगा। स्टडीज के बाद नाउ यू विल मूव टू योर सर्विस और बिजनेस, इन दैट केस अगेन यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आपके गोल्स बार बार अच्छी अलग होते रहेंगे, डिफरेंट गोल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, सो योर वे विल गेट डिफरेंट इन मैनेजिंग द थिंग्स। क्लियर? सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज योर दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जब हम आपकी बात करते हैं दैट यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स, तो वो आप अपने अकेले की बात कर रहे हो। बट वेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन एक अकेले पर्सन से नहीं रन की जाती। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए यू नीड नंबर ऑफ पीपल, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम आप अलॉट करते हैं ताकि आप उनसे काम करवा सके। यानी कि काम को आपने डिवाइड किया, नॉट ओनली इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अ सिंगल पर्सन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। वो खुद सब कुछ हैंडल नहीं करेगा, कभी खुद अगर मालूम है किसी ग्रॉसरी शॉप की बात भी करूँ तो वो ग्रॉसरी शॉप पे काफ़ी टाइम खुद बैठेगा। अगर वो नहीं है तो अपनी जगह पर अपनी वाइफ को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या किसी वर्कर को जरूर रखेगा, क्योंकि 24 घंटे तो वहाँ पर वो भी नहीं रह सकता। देयर आफ्टर मे भी हो सकता है होम डिलीवरी करने के लिए उसने कोई एक आधा बॉय रख रखा हो अपने अंडर, तो यानी कि उसको भी काम करने के लिए किसी ना किसी की मदद की रिक्वायरमेंट होती है ना। अकेले तो आप पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। सिमिलरली वी टॉक अबाउट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मेजरली वी कैटेगराइज द ऑर्गेनाइजेशन इनटू फोर मेन डिपार्टमेंट्स, दैट इज योर प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग प्लस फिनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड वट एवर एफर्ट्स दैट दे आर गिविंग, द कॉम्बिनेशन द टोटालिटी ऑफ देयर एफर्ट विल गिव अ ग्रोथ टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो काम को कैसे करना है कैसे, इफ योर वर्क इज सक्सेसफुल यू विल गिव द क्रेडिट टू ऑल द मेंबर्स हु आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द क्रेडिट विल नॉट ओनली गिवन टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज एफर्ट्स आर बीन पुट बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज द सम टोटल ऑफ द थिंग, इट्स अ टीम वर्क। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। नाउ let's come to the next feature, management is dynamic in nature. Yes, we can say this dynamic in nature you can observe in your own, अपने आप में आप उस चीज को ऑब्जर्व करिए। पहले हमारा क्लासरूम टीचिंग हुआ था, कभी आज तक ऑनलाइन सेशन हमारे कभी हुए थे? ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं हुए थे? कभी आता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू रिएक्ट, we have to manage our things. आप काम को रोक नहीं सकते। तो while sitting at home you are studying, this is the change that we have brought into our this life. तो कोई भी काम को करना है, उस काम को करने के लिए you can you have to adopt with those changes. अगर आप changes के accordingly अपने आप को adopt नहीं करोगे then you will lag behind, पीछे रह जाएंगे हम लोग। Again I take the example, let us suppose 10 years back, 10 years back, if I talk about a bank, everything was done manually. Har kaam haath se kiya jata tha. So all the accounts are being, jo maintained hain, they are maintained manually. So chahe wo cash book ho, chahe wo aapki subsidiary books ho, all the passbooks and all the entries are being done manually. So there's a plethora of work which they have to do.
बट नाउ डेज डू वी थिंक सो, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, कंप्यूटराइज्ड. सो इट्स अ चेंज, इट्स अ नीड ऑफ द टाइम. अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आपका आप काम नहीं कर सकते. ये नहीं प्राइवेट सेक्टर ही है वही कंप्यूटराइज होगा, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. भले आपके पास कोई नहीं आएगा, सो इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू गो अहेड विद द एनवायरमेंट. सो इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the last feature is intangible. Management is intangible. What do you mean by this? You cannot see. Can you see the management? You cannot hold it like a product in your hand. You can simply observe it. आप किसी घर में जाते हैं, बहुत सुंदर सा घर लग रहा है, तो क्या होता है भाई, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है घर को, बहुत सुंदर लग रहा है. वहीं अगर आप कोई आपके कमरे में चले जाते हो, क्या होता है, बहुत ऐसी बना के रखते हो ना अपना कमरा, मम्मी से डांट खाते हो, फिर हमें कहते जी ढंग से रखो, सही तरीके से रखो, जहाँ रखने वहीं रखो उसको, ये गलत जगह पे क्यों पड़ी हुई है. सो जब मम्मी जब डांट लगाती है, अपना काम ठीक से करते हो ना, फिर अपना काम अपना जो है रूम सेट करते हो. तो मैनेजमेंट समथिंग विच यू कैन ओनली ऑब्जर्व, विच यू कैन ओनली सी. अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसका मतलब वहाँ के जो मैनेजर्स हैं वो काम इफेक्टिवली और एफिशियंटली कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी से कि मैनेजमेंट इज नथिंग दैट, इट्स नॉट लाइक अ प्रोडक्ट विच यू कैन सी, इट इज बेसिकली इंटेंजिबल, विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट होल्ड इन योर हैंड, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व. सो दीज आर द फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप दैट दीज विल बी देयर इन योर माइंड. सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट गिव इट एज अ कमेंट, अपने क्वेश्चन को कमेंट फॉर्म में लिखिए, सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ दोज doubts, and these doubts will get clear in the next session. Now, after completing these features, we are moving ahead. Reminded that we are going to give you the questions on the basis of what we are learning today. Clear? Now, we will discuss about the objectives of management. कल भी हमने डिस्कस तो किया था इसीलिए, बट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस हम लोग काम नहीं कर पाए थे, बट टुडे वी विल डू इट प्रॉपरली. नाउ ऑब्जेक्टिव्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स वी कैटेगराइज देम इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देयर आफ्टर इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, and lastly personal objectives. Let's understand what is the meaning of this. When we talk about organization, company अपने आप से क्या जाती है, कोई भी कंपनी जब आप सेटअप करते हो, आप अगर आप बिजनेसमैन बनोगे कल चलते, या आपको बिजनेसमैन पापा की अकॉर्डिंग कर रहे, पापा क्या चाहते हैं, they always want to flourish in their business, they always want to grow their business. जब आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो व्हाट इज जो भी आप जिसके जो कुछ भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंडर वी आर हैविंग मेजरली थ्री थिंग्स. फर्स्ट सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. दीज आर द मेन थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. कोई भी बिजनेस जब मैं स्टार्ट करती हूँ, मान लेते हैं कि मैंने आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले क्या चाहती हूँ, पहली बात, एक दिन में तो कोई बिजनेस स्टार्ट करके एकदम से वो बहुत अच्छे से चलेगा नहीं. यू हैव टू वेट कि धीरे धीरे आपके कस्टमर्स बने. जब आप अपने कस्टमर्स कैसे बनाओगे, यू हैव टू गिव देम लुक्रेटिव स्कीम्स. आप उनको कुछ ना कुछ एक बेटर चीज दिखाओगे, तभी तो वो कस्टमर्स आपके पास आएंगे. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट. क्यों आप कॉस्ट पे बेच रहे हो, you are not getting any profit, you are just simply selling the product at the cost so that you can survive in the market, especially when there are number of competitors in the market. So my main objective that an organization should be able to survive aap tab kar paoge when you are able to earn enough revenue so that you are capable of covering your cost.
So whether it's the fixed cost or variable cost, if you are capable of covering your cost, you are not running in losses, you would be able to survive. So one, we can also take the example of Nano car, that when this Tata has launched this Nano, its cost was less than 1 lakh. Kyun tha? First of all, jo bhi Nano has a, because it's a car, so it has a highly competitive market. तो कार को उस मार्केट में सरवाइव करवाने के लिए एटलीस्ट सरवाइव कर सके वहां पे, तो उन्होंने उसका कॉस्ट कम रखा. सेकेंडली, जो भी हमारे लो इनकम ग्रुप सोसाइटीज हैं, लो इनकम ग्रुप या एवरेज इनकम ग्रुप जो कार वगैरह अफोर्ड उस समय नहीं कर पाती थी, तो वो एटलीस्ट कार अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए बहुत अच्छा डील था. ताकि फटाफट तुम्हें कार भी मिल रही है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज कार का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी कैन कम्यूट इजीली. Fine. So their objective has been achieved. That's why Nano hamari successful rahi. Slowly and gradually, jab uski demand ban gayi, to uska price humne badhana hai. Company ne uska price increase karna shuru kara. Kyun shuru kara? Ki aap hamesha survival wale condition par nahi reh sakte ho. Every company needs profit. Aap, maine aaj 10 rupaye ka article kharida aur wo maine 10 rupees mein hi bech diya, to maine kya kamaya? Nothing. So I cannot survive in this way. मुझे अगर अपनी फैमिली को फीड करना है, तो आई नीड टू अर्न समथिंग. मैं 10 रुपीज के सामान खरीद के लाऊंगी, एटलीस्ट उसको 15 रुपीज में बेचूंगी, सो दैट आई विल गेट समथिंग फॉर माय फैमिली. तभी तो मुझे ये काम करने में बूस्टअप होंगी, मैं एनकरेज होंगी. सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, आपका मोरल बूस्टअप होता है और आप अपने बिजनेस में अच्छे से काम करते हो, दिल लगा के काम करते हो. सो व्हेन योर प्रॉफिट विल गेट इंक्रीज, डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रोथ. आज मैंने एक शॉप खोली, मेरी शॉप चल गई, मैंने धीरे धीरे अपना शॉप को अच्छे और उसमें वैरायटीज डालना शुरू कर दिया. जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को जगह कम बढ़ रही है, तो मैंने एक बड़ा शोरूम लेना शुरू करा, उसका प्रेजेंटेशन और अच्छा रख लिया, चार मेंबर्स अपने नीचे रख लिए, स्टाफ अपॉइंट कर लिया, और अच्छा प्रॉफिट हुआ. मैंने उसकी ब्रांचेस रख ली, चेन स्टोर में मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया. इट मीन्स जब आपका बिजनेस होता है, तो आप उसको प्रॉपरली ग्रोथ भी आप दे रहे हो. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मार्केट में सर्वाइव कर सके. सर्वाइव करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो अर्न करें, एंड आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट दे शुड बी एबल टू ग्रो इनफ. सो ठीक है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मींस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी. तो हमें सोसाइटी को क्या देना है, कंपनी जो है वो सोसाइटी को क्या देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, सोसाइटी की तरफ से मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंपनी हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. जो भी सामान खरीदे, इट शुड नॉट बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. सो मिनिमम बेयर क्वालिटी का वो सामान हमारा. Thereafter, once your quality has been good, it should be given at the reasonable cost. Let us understand what is the meaning of the reasonable cost. कि जो सामान मैं बेच रही हूँ, वो cost जो है आपकी, वो price बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो मेरा profit होगा, लेकिन सामने वाला exploit होगा. So in that case, the price should not be too high or too less. ना मैं नुकसान में रहूँ as a company, ना ही कस्टमर मेरा नुकसान में रहे. सो वट एवर आई एम सेलिंग आउट इन द मार्केट, इट शुड बी एट अ रीजनेबल कॉस्ट. देयर आफ्टर आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई एनवायरमेंट, सो इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री. आप वहां पे पॉल्यूट नहीं कर सकते. तो अगर आपको लग रहा है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी धुआं या स्मोक आ रहा है, उसको आप ठीक कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे वहां पर अपने. देयर आफ्टर, जब आप जिस भी चिमनी से आपका स्मोक आउट हो रहा है, वहां पर यू नीड टू इंस्टॉल फिल्टर्स, ताकि ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आपके एयर में नहीं जाने चाहिए. नॉट ओनली दिस, तभी आपको सोसाइटी वहां पर काम करने देंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंटरफेयर इन योर वर्किंग. देयर आफ्टर, सोसाइटी को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. So
दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी. अच्छा, मैंने अपना सोच लिया, मैंने लोगों का सोच लिया जिनको मैं सर्विस देने जा रही हूँ. इन दोनों के बीच तीसरा कौन आया? इम्प्लॉइज. क्योंकि हमारा जो ब्रिजिंग गैप है दैट इज इम्प्लॉइज. बिना इम्प्लॉइज के मैं अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती हूँ. तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. तो अपनी सोसाइटी को कुछ भी रेंडर करने से पहले आई नीड टू थिंक अबाउट माई इम्प्लॉइज. इट मीन्स दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव व्हेन वी टॉक अबाउट दे रिलेट्स टू द इम्प्लॉइज जिनकी बेसिस में अपना सारा काम कर रही हूँ. अब इम्प्लॉइज को क्या चाहिए बेसिकली? इम्प्लॉइज आपसे तीन चीजें मांगता है. सबसे पहले वो आपसे कहता है कि उसके फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर दो. फाइनेंशियल कोई भी आप जॉब करते हो इसलिए करते हो कि आपको पैसा मिल रहा है, तभी तो आप अपने फैमिली को फीड करोगे. सो फाइनेंशियल नीड हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? आई कैन प्रोवाइड देम कॉम्पिटिटिव सैलरी. जो मार्केट रेट है अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू गिव देम अ सैलरी, नॉट एट अ वेरी हाई रेट एंड नॉट एट अ वेरी लो रेट. क्लियर? तो पेइंग ऑफ अ सैलरी एंड पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन टाइम. पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन टाइम. देयर आफ्टर ये देने के बाद आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? अगर आप बॉस है इसका मतलब ये थोड़े कि आप उनसे रूडली बिहेव कर रहे हैं. तो यू हैव टू गेट द वर्क फ्रॉम देम इन अ फ्रेंडली मैनर. तो विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट यू आर गिविंग? सो इट शुड बी फ्रेंडली एनवायरमेंट यू हैव टू प्रोवाइड देम. फ्रेंडली एनवायरमेंट. नॉट ओनली दिस, चले अगर आप दिस नहीं कर रहे हो आपको विजिबल नहीं होना होगा. तो फ्रेंडली एनवायरमेंट आपको देना पड़ेगा. सैलरी आपने दी, अपने उनको क्या बोलते हैं टाइम पर अपने वो सैलरी दी, आपने उनको अच्छा फ्रेंडली एनवायरमेंट दिया, देन वी कैन से टॉक अबाउट गुड वर्किंग कंडीशन. साफ पानी, साफ हवा, साफ सफाई, वॉशरूम्स एंड ऑल दे शुड बी वेरी क्लीन. तो वहां पर वो पर्सन बैठकर काम कर सके. और टेक्निकल फैसिलिटी दैट यू नीड टू प्रोवाइड देम. क्लियर? आप उनको वो सारी फैसिलिटीज वहां पर उनको देंगे. सो इट वुड बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सैलरी दो, टाइम पर दो. नॉट ओनली दिस, यू नीड टू गिव देम पेंशन बेनिफिट्स. जो हम बात करते हैं कि कल को आप रिटायरमेंट होगी या कुछ भी है तो आपको उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी. आपने उनको एजुकेशन फैसिलिटी फॉर देयर किड्स. सो ऑल दीज लाइक पेंशन एंड ऑल, ताकि वो कल को उनको प्रॉब्लम ना आए. So all these facilities you are supposed to give to them. Clear? So it is one of the most important topic. Aur ek na ek objective zarur aata hai. Ek na ek objective pura ka pura paper mein zarur aayega. Sara ikattha nahi aayega paper mein, but koi na koi ek objective. Khas kar ye this, it is one of the most important objective this topic jo aapke usme zarur aata hai. Aur 3-4 baar ye tumhara topic jo hai wo repeat ho chuka hai. Clear? अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक पे. चिंता मत करिए, अब हम और कुछ नहीं करेंगे. वी आर जस्ट सिंपली गोइंग विद द जिस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ. तो एक जिस्ट बना रहे हैं उसकी कि अब हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट क्या चाहता है. लास्ट टॉपिक इज व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंस आई थिंक ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि काम किस तरीके से हो रहा है. अच्छा मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट हमारा जरूरी क्यों है? अगर घर पे आपको सही चीज सब चीजें सही जगह पर ना मिले तो क्या होगा? घर पे लाइट चली गई, कैंडल भी नहीं मिल रही, इन्वर्टर भी खराब हो गया, ना कैंडल है ना आपको मैचस्टिक मिल रही है, क्या होगा? फोन ढूंढोगे, फोन कहाँ? टॉर्च लाए, फोन भी कई जगह पर पता होना चाहिए रखा हुआ फोन आपका. तो अगर आपके घर में सब चीजें ढंग से नहीं रखी हुई तो क्या होगा? मम्मी की डांट खाते हो और कुछ नहीं होता उसमें. ये चीजें कहाँ रख देते हैं, इधर रख दिया उधर रख दिया, ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं. तो अगर वहीं पर अगर मेरा सामान सही जगह पर होता है तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है और सही टाइम पर मैं अपना काम कर सकती हूँ. सो नाउ आई एम लर्निंग, वी आर स्टडिंग व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा समझ में आता ही है कि दैट वी आर कैपेबल ऑफ अचीविंग आवर गोल्स. हम इसलिए मैनेज करते हैं कि हमारा गोल अचीव हो जाए. सो अचीविंग ऑफ अचीवमेंट, अचीविंग गोल इज माई फर्स्ट इम्पॉर्टेंस. कि मेरा गोल अचीव हो जाता है. नॉट ओनली मेरा गोल अचीव हो जाता है, मेरी वेस्टेज भी सबसे कम होती है. मेरा कोई भी रिसोर्सेस
वेस्ट नहीं जाते. सो इसको मैं तीन तरीके से लिख सकती हूँ. इट रिड्यूसेस वेस्टेज, इट कुड बी रिटन एज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज लेस वेस्ट लीड्स टू द ऑप्टिमम यूज ऑफ योर रिसोर्सेस. और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, क्योंकि जितना एफिशिएंट, यानी कि टास्क कंप्लीशन विद मिनिमम कॉस्ट, तो जितना एफिशिएंट आपका मैनेजमेंट होगा, जितने एफिशिएंट आपके एम्प्लॉयज होंगे, उतना ही वो कंपनी फ्लरिश करेगी. क्लियर? सो दीज आर द मेन टू पॉइंट्स. नाउ इफ योर मैनेजमेंट इज गुड, यू वुड बी इन अ पोजिशन टू वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. क्लियर? सो अगर आपको कुछ भी चेंजेस लेकर के आने हैं, तो यू वुड बी, इट इज इजी टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस. सो नाउ थर्ड इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरे ख्याल से केवीएस से बेटर और कोई एग्जांपल नहीं है हमारे लिए कि एज पर द सिचुएशन मैनेजमेंट हैज बीन मैनेजिंग सर्टेन चेंजेस इन देयर वर्किंग, ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो. तो जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी आप उस डायनामिक यानी कि उस चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं. पहली बात, कोई भी चेंज आएगा, वर्कर्स का पहला माइंडसेट होता है ना करना, नहीं मुझे नहीं करना, मेरे लिए कोई चेंज नहीं करना. अगर आपको ये बोलते हैं कि नाउ योर वर्किंग आवर हैज बीन इंक्रीज, आपको जो पढ़ाई करनी है, अभी हमारा 6 hours 20 minutes का जो हमारा स्कूल होता है, नाउ इट विल इंक्रीज अप टू 8 hours, विल यू इजीली एक्सेप्ट दिस? यू वॉन्ट बी एबल टू. मोटिवेशन हो रहा है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस चेंज. लेकिन आज जो हमारा सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से अगर आपके आपके जो लर्निंग आवर्स है, अगर हम उसको इंक्रीज कर दें, यू वॉन्ट माइंड, क्योंकि आपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर रखा है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार. तो अगर आपका मैनेजमेंट सफिशिएंट है, तो आप एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, चेंजेस को आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो. ठीक है? नॉट ओनली दिस, इट हेल्प्स मी इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट यू मीन बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? यस, इट रिलेट्स टू योर एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज वो क्या चाहते हैं? आप चाहते हो मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो, मेरा काम बहुत अच्छे हो. तो एम्प्लॉय क्या चाहता है? मुझे सैलरी अच्छी मिले, मैं अच्छे से काम कर पाऊँ, मेरे मुझे ग्रोथ हो. कि हर कोई ग्रोथ चाहता ही चाहता है, एक ही लेवल पे तो कोई भी काम नहीं करना चाहता. तो अगर मैनेजमेंट ढंग से होगा, तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा. कैसे? पहली बात, काम कैसे अलॉट किया? अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, अकॉर्डिंगली आपने काम उनको अलॉट किया हुआ है. सो जब काम आपने एम्प्लॉय को दिया है, और साथ साथ आपने उनके डाउट्स भी क्लियर करें, सो यू मोटिवेटेड द एम्प्लॉयज. सो मोटिवेशन, आपने उनको मोटिवेट करा. काम अचीव नहीं हुआ, जो जो उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, आपने उनको टाइमली अवेलेबल करवाया वो सारे रिसोर्सेज. सो ऑल दिस लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो वहां पर आपको भी काम करना अच्छा लगेगा, और एम्प्लॉयज को भी वहां पर काम करना अच्छा लगेगा, तभी वो आपके पास रुकेंगे, अदरवाइज किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वो चले जाएंगे. ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंस, दैट विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट वी कैन डेवलप आवर सोसाइटी. सो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जितना अच्छा बिजनेस उतनी बढ़िया सोसाइटी की डेवलपमेंट, जितना खराब बिजनेस उतना ही सोसाइटी में डाउनफॉल आएगा. अब आजकल सारे बिजनेस ठप हो गए हैं, तो सारा सोसाइटी में क्या हो रहा है? देयर इज अ स्टीप डाउनफॉल आ गया है हमारी सोसाइटी में. सो जितनी अच्छी आपके बिजनेस होंगे, उतना ही बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, आप उतने ही बढ़िया से आप रहेंगे, उतने अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, वैसे ही आप यूज टू हो जाओगे. ठीक है? अब आज के तारीख में अगर हम बात करते हैं, तो अर्लियर टाइम्स वी टॉक अबाउट एसी, फ्रिज और कार, दे वर टर्म्ड एज लग्जूरियस आइटम. पर क्या आज के तारीख में हम लग्जूरियस आइटम्स में काउंट करते हैं? दे आर टर्म्ड एज बेसिक नीड्स. हमारे वो बेसिक नीड्स का पार्ट हो गया, वो लग्जूरियस आइटम्स ही रहेंगे. तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है. सो ऑल दीज, यानी ये सब जो हम बेनिफिट्स देख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट.
So we are ending up our this session now, and I hope that you, the topic is clear. Koi dikkat hoti hai, give your comment, give your suggestion, and soon the assignment will be attached in this. Aur aapko assignment side by side karna hoga. Thank you, students.